नाम है राजेश्वर सिंह राजू। सर जी, आज आप नमस्कार कहने तो मैं लाइट ऑफ नेशन की तरफ से और रुपया फाउंडेशन की तरफ से आपको आज बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। सर, ये जो आपकी आज इसके बारे में जो दर्शक आपको लाइव देखते हैं, आप उनको क्या बताना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं बचपन से लिख रहा था। पहली कहानी मेरी जो संग्रह आया था वो था खुद डोगरी में, उसके बाद अधम जाने। फिर मुझे कहीं लगा कि मदर टंग में और खासकर बच्चों पे कुछ लिखा जाना चाहिए। डोगरी लैंग्वेज में बच्चों पे बहुत कम लिखा गया, कहानी की बात करूँ तो ज़्यादा कम लिखा गया। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को एक ऐसी कहानी संग्रह दिया जाए जो खेल खेल में कहानी संग्रह हो। तो मैंने कोशिश की है, जैसे मैं सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों के लिए, जब मेरे बच्चे मुंबई में था, पोस्टेड था, तो बच्चे मेरे पास छोटे थे, तब मेरे पास आते थे कि मुझे कहानी सुना पापा। मैंने इनफैक्ट मैंने उनका बिल्डअप किया था टेस्ट कि छोटे समय कम से कम मुझे जो पूछे कि मैं इंटरेस्ट क्रिएट करता था उनको डिफरेंट कैरेक्टर के साथ। फिर सालों के बाद काफी सात आठ साल बाद जब मैं मुंबई से वापस आ गया, तो मैंने एक्सपीरियंस को इंटरेस्ट किया गया लिटरेचर। तो मैंने वही कहानियाँ, सारी कहानियाँ वैसे थी, मैंने डिफरेंट फैकल्टी से ये कहानी लिखी है। तो बच्चों को ये नहीं लगे कि ये मैसेज दे रहा है, नाम तो सिख मत है लेकिन मैसेज खेल खेल में मैसेज है, तो बच्चों को ऐसे हर नहीं होता। सर, आप इतने मशहूर राइटर हैं, जम्मू कश्मीर के एक शान हैं, तो मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। देखिए, मैं बचपन से लिख रहा था, बेसिकली सिक्स स्टैंडर्ड में मैंने शायद पहली कहानी लिखी थी। उसके बाद मैं थोड़ा मुतासर रहा था मुझसे एस सी बेबी या कॉमिक्स वगैरह नोट वगैरह इंटर वगैरह पढ़ती मेरा कम डैडी की पोस्टिंग होती है, मैं जब अपना स्कोप की पब्लिकेशन हो जाए तो ग्यारहवीं में मैंने यहाँ पर एडमिशन ली थी रणवीर हाई स्कूल में। डैडी की पोस्टिंग जम्मू में हो गई तो रेडियो बिकेम एन ऑप्शन। तो रेडियो में युवानी सर्विस से मैंने स्टार्ट किया एज पोइट, फिर वहाँ पर गीतों भरी कहानी, आजकल तो बंद हो गई है, उन दिनों बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी गीतों भरी कहानी। फिर धीरे धीरे गीतों भरी कहानियों से मैं आया ड्रामा की लाइन में, फिर मैं डेली सेशन में मैंने जॉइन कर लिया स्कूल लास्ट 25 ईयर से रेगुलरली मैं लिख रहा हूँ एज आर्ट क्रिटिक डेली सेशन के लिए। कश्मीर टाइम्स के लिए काफ़ी लिखा तीनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में और फिर डोगरी में। डोगरी में ये पीस लिखी, तो ये एक्चुअली इंग्लिश में भी आप कन्वे कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, हिंदी में भी इतनी पकड़ हम लोगों की हो नहीं पाती है, लेकिन क्योंकि परिवेश क्योंकि हम जो दर्शाते हैं वो डोगरी है, डोगरा माहौल है, तो मैंने ये सोचा कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि डोगरी की तो सेवा हो जाएगी, वो हमारा फ़र्ज़ है डोगरी लैंग्वेज की सेवा करना, तो डोगरी की तरफ मैंने ज़्यादा डाइवर्ट किया। गर्मी बड़ी, चलो शुक्र है माता रानी की कृपा, बरखा पई थोड़ी जी, आई ए सी चला रहा है कि थोड़ा कंफर्टेबल मूड है। एक्चुअली मैं एक गल इतने जाहिर करना चाहना आज कि मैं शुरू से इंग्लिश लिख रहा हूँ, काफ़ी देर इंग्लिश लिखा है, पहले भी एक्सरसाइज से कंटिन्यूसली लिखा करना एज आर्ट क्रिटिक, फिर मैं हिंदी च लिखा क्योंकि उसमें सारे को ऑप्शन होता है रेडियो युवानी सर्विस। मैं युवानी सर्विस का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि स्टार्ट इतों है। मैं डोगरी लिखने वास्ते अगर कुछ ने प्रेरित किया तो मेरा दोस्त है राजेंद्र नारंग, शायद इतने बैठे हैं। मैं डोगरी लिखना बड़ी मुश्किल है, शायद जेड़े हिंदी लिखते उन्हें पता इस चीज़ का कि डोगरी ते हिंदी मतलब दोनों कंट्रास्ट होंगे। तो नारंग ने आख्या क्योंकि उन्हें जिन्हें डोगरी टाइम से स्टार्ट किया था, उन्होंने आख्या क्योंकि भी जी भी मदद मैं करगा तू कहानी च लिखना, तू कहानी लिखो मैं एडिट कर दिया करगा। राजेंद्र नारंग थैंक यू। फिर मैं डोगरी लगातार लिखता रहा, तो पहला कहानी संग्रह आया खुद 2012 च, 2015 च आदम जाटे, हूँ तुम्हारे सामने सिख मत है, अगर ये आए तो मैं इंटे वास्ते ब्रिजमोहन साहब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। अगर ब्रिजमोहन हमारा मेरा सहारा नहीं होता तो शायद डोगरी किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल था। डोगरी च मेरा वैसे 8 साल लगातार कालम भी चलिया बखर जिला कहते हैं डोगरी टाइम्स, फिर जम्मू प्रभात कन्वर्ट हो। कहानियां मैं शुरू तो लिखा था करता, लेकिन बच्चों पर कहानी लिखना बड़ा मुश्किल। मैं ब्रिजमोहन सर कहीं गल की तो आखने के बच्चे पर कहानी लिखना आसान नहीं है, तेरे पहले बाल साहित्य की पढ़ना पौधा तो डुबना पौधा है बच्चे का, ये तो मनोविज्ञान रखना। मैं कोशिश की दो चार कहानी लिखिया, लेकिन मेरी लगता कि शायद बाल साहित्य के काबिल नहीं है। ब्रिजमोहन सर ने आखा कि बाल करैक्टर होना बाल साहित्य की निशानी नहीं होती है, सरल भाषा मतलब बच्चे का भी मिलना जुलना पौधा। फिर मैं याद आया कि जल्द मेरी पोस्टिंग मुंबई में मेरे बच्चे छोटे हो रहे
टीवी दिखे लैंड किया ना तो मैं दूर रूम चे गया मैंने अपना कहानी सुनो मैं उन्हें कहती कहानी सुना कहानी सुनोगे फिर अस ना करैक्टर डिवेलप करते होंगे जेडे कि एक सीरीज की तरह चले परमानेंट घोड़े कछुए वगैरह तो मेरी बेटी ने भी रियलाइज करवाना कि पापा अभी मैं करैक्टर गलती नहीं रिजू का बोलूँ ना आपने कि पापा ये मेरा करैक्टर था तो इस वास्तव में मेरा फिर डेली मैंने कहानी सुना है फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मैं उही कहानी जी थोड़ी कलैक्ट करी है परिवेश डिफरेंट हो सकता लेकिन उस टैक्निक का सहारा भी है मैं अगर लिखा तो शायद मेरा काम बनी है मैं उही टैक्निक इस्तेमाल की है बच्चों की कहानी सुनाना कहानी बच्चे कहानी है लैसन थोपने की ना तो जरूरत होती है हाँ सिख मत मैं बड़े लोग कहते हैं सिख मत जरा किसी चीज़ का लैसन लगता है लेकिन जरा मैं टाइटल पसंद आई ना फिर पसंद आई है खोतल वे भी सारे कहते हैं खोतल क्या खोतल ना कोई कहानी नहीं है खोतल टाइटल अच्छा लगे आदम जाटे टाइटल अच्छा लगे सिख मत टाइटल अच्छा लगे फिर असें सिख मत की जस्टिफाई करने की जरूरत है बाल साहित्य का कोई भी कहानी लैसन के बगैर तो खत्म नहीं हो सकती इन्हें पिछले आवाज से कोई चेंज नहीं हो सकती है कुदे ना कुदे नुकता से पकड़ना पड़ता है एक कन्वे करना बड़ा जरूरी है वही सिख मत है थोपना अलग चीज है मैं ज्यादा ही बोल रहा क्योंकि थोड़ा जहां बोल रहा दो तीन मते चिरे तो मेरे मन जिस गल खोद रही मैं बच्चे बाल साहित्य की रचना करा सिख मत नहीं अपने बस मैं मतलब लिखे था दो पेज कहानी मेरे कल कहानी शीतल गार्डन बड़ी उठी दी बड़ी कहानी पढ़ी लगे मते चिरे तो मेरे मन जिस गल खोद रही मैं बच्चे बाल साहित्य की रचना करा पर बाल साहित्य लिखना कोई सौखा काम तो है ये मतियां गलों का ध्यान रखना पड़ता है जिया भाषा सरल होनी चाहिए कहानी का विस्तार मता लंबा नहीं होना चाहिए जो बच्चे उसी पढ़ने नहीं ये अलावा न्याणे की रुचि का भी पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ता है फिर जिसल बाल साहित्य की गल हो तो ये राय बच्चे की सिखमत देना लाजमी हो जाता है कि जो अजय के बच्चे गए उन्होंने गलों के भविख इस किताबा च 17 कहानियां कहानी च कहानी सुनाते हुए न्याणे की दिलचस्पी का ख्याल तो रखा गया है तो कन्ने हर कहानी कोई ना कोई सिखमत भी जोड़ दी है खुद के अर्थन झटे कहानी संग्रह के बाद सिख मत कहानी संग्रह की रचना करना मेरे लिए एक बड़ा वह खूबसूरत एहसास है न्याणे की कहानी लिखते हुए मैं आपू भी न्याणा ही बनी गया इस एहसास की जीवित करने मेरी भरपूर मदद की है श्री ब्रिजमोहन होरें थैंक यू सर जिंदे प्रोत्साहन के मदद के बगैर एक कहानी संग्रह छपना मुमकिन है मैं उनका दिला की गहराई कहीं शुक्रिया करना चाहूँ इतने मैं इस गल का जिक्र चेचे तौर पर करना चाहना कि जो मेरे न्याणे लोगे तो हमेशा सोने शा पहले मेरे को कहानी सुनने की जिद करते हैं मैं उन्हें खूबसूरत चेते ही गया अखरें राही मुड़िया फ्लैशबैक जाने की कोशिश की है रिजू मेरे नानी को दो मरे लोग इसलिए इन्हें कहानी रिजू की तोतला तो मृणालनी की समझदार दर्शाया मैं चाहना कि जिंया कहानियां सुनते गए रिजू तो मृणालनी के पौंठे पर मुस्कान आई जाती है इं कहानियां बाकी न्याणे के भी अपन कहानियां बजून तो उनके ओहदे पर मिठी मुस्कान दे खीर च मैं अपने परिवार का बड़ा धन्यवादी हाँ जिन्हें मी समय समय पर लिखने लिए प्रोत्साहित करते रहे शुक्रिया माला सलाथिया मेरे प्रियंत शुक्रिया मृणालनी शब्द
ਕੈਲੋ ਤੇ ਜੀਪ ਲੈਡੀ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸਿਜਨਾ ਤੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਰ ਪੁੱਛੋ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਥਮਾ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਇੰਦੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕਾਫੀ ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਐਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਦੀ ਜੈਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੋਗਰੀ ਚ ਇਸਦੀ ਥੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੋਗਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੇ ਸਟੇਟ ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਯ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੱਠ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਯ ਕਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਯ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਯ ਵੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚੁੰਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਔਰ ਸ਼ੈਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੰਜੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਵਸਰ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਕੇਤ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਚ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਿਣੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਚ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤਿਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੁਲਪਤੀ ਜੰਮੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੇਚਲ ਦਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ।